नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरु जी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जनवरी 2020 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की, और इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर एजुकेशन गुरु जी नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर के बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अंबाला। और अंबाला कहाँ पे है? हरियाणा में। तो इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण, ठीक है। और ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। और बात करें हरियाणा की राजधानी की, तो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी एक ही है, वो है चंडीगढ़, ठीक है। अब बात सुषमा स्वराज की आई है, तो सुषमा स्वराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। देखो, जो सुषमा स्वराज है, इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को, कहाँ पे? पलवल में। लेकिन इनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ? अंबाला में। किसके पास? इनके मामा जी के पास, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज के नाम पे रखा जाएगा। और जो सुषमा स्वराज थी ना, ये सबसे कम उम्र की विधानसभा सदस्य बनी थी, कहाँ की? हरियाणा विधानसभा की। और इसके साथ साथ ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी, कहाँ की? दिल्ली की। और इसके साथ साथ 2014 से लेकर 2019 तक ये भारत की विदेश मंत्री भी रही। और आखिर में 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज जी का देहांत हो गया, कहाँ पे? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है कि ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, आंसर क्या हो जाएगा? सुषमा स्वराज, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड बताइए ये कौन से नंबर का बनाया गया? तो ये बनाया गया 71वें नंबर का, आंसर क्या हो गया? बी। अब देखो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? देखो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था लागू। और संविधान किसने तैयार किया था? प्रारूप कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। अब 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए मनाया जाता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। और हाँ एक बात और, जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड हुई है नई दिल्ली में, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या होएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7। देखो पद्म पुरस्कार ना 3 तरह के होते हैं, एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण, एक पद्म श्री। तो पद्म विभूषण तो मिला 7 व्यक्तियों को, जो पद्म भूषण मिला 16 व्यक्तियों को, और पद्म श्री मिला 118 व्यक्तियों को। अब देखो जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरे पे पद्म भूषण और चौथे पे पद्म श्री, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देखिए, ठीक है, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। जो पद्म विभूषण है ना, इसके तो हमें 7 के 7 नाम याद रखने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। नंबर 1 है जॉर्ज फर्नांडिस, इनको मरणोपरांत मिला है। अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत मिला है। उसके बाद सर अनिरुद्ध जुगनाथ, MC मैरीकॉम, छन्नू लाल, सुषमा स्वराज, और इसके अलावा मिला श्री विश्वेशा तीर्थ को। ये 7 तो व्यक्ति आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो पद्म भूषण है ये मिला 16 व्यक्तियों को, लेकिन आपको 16 के 16 याद नहीं रखने, इम्पोर्टेंट है ये 3, मनोहर पारेकर, PV सिंधु और वेणु श्रीनिवासन, ये आपको याद रखने हैं। और बात करें पद्म श्री की, ये मिला 118 व्यक्ति को, लेकिन आपको ये 5 नाम याद रखने हैं, रानी रामपाल, अदनान सामी, कंगना रनौत, जीतू राय और एकता कपूर। और इसके साथ एक अब्दुल जबार नाम भी याद रखना है, इनको भी मिला पद्म श्री। क्यों मिला? जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था ना, उसमें जो लोग पीड़ित हुए थे
उनके न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। किसने? अब्दुल जब्बार ने। इनकी 2019 में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन होगा? तो ये देश कौन होगा बताइए। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा रूस। आंसर क्या होगा? सी। और कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की इस समय मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और वही करेगी इसका उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत पर्व 2020 कहाँ मनाया गया? तो ये कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया फ्रेंड नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया लाल किले पे। ठीक है, देखो 26 जनवरी को तो इसकी शुरुआत हुई है और ये चलेगा 31 जनवरी तक। ये तो आपको भी पता होगा, जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है, लेकिन बनी कब थी? देखो प्रस्तावित तो हुई थी 1911 में, लेकिन बनी थी 1912 में। तो 1912 से पहले भारत की राजधानी कौन सी होती थी? कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अब बात दिल्ली की आई है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है इस समय? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, सागरमाथा संवाद का पहला संस्करण किस दक्षिण एशियाई देश में आयोजित किया जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा नेपाल। आंसर क्या होगा? डी। अब नेपाल की बात आई है तो हमें नेपाल के राष्ट्रपति का नाम पता होना चाहिए और वहाँ के प्रधानमंत्री का, और साथ में वहाँ की करेंसी, करेंसी तो रुपये ही है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली और वहाँ की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। और जो सागरमाथा संवाद है इसका विषय क्या है? इसका विषय है क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये चलेगा 2 से 4 अप्रैल तक। और साथ में जो सागरमाथा संवाद है ये किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है माउंट एवरेस्ट के नाम पे। तो इतना काफ़ी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, गाटी ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? ये किया नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी कौन है? ये है भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, झाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री। और इसके अलावा नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हो गए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन कोंग को कौन सी कंपनी का MD नियुक्त किया गया? तो ये कौन सी कंपनी का किया गया? ये किया गया फ्रेंड सैमसंग का। और सैमसंग कौन से देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया, यानी साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो फ्रेंड ये किसे किया गया? ये किया गया ए और बी दोनों, यानी शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा दोनों को। ये क्या है? हस्बैंड वाइफ। क्यों किया गया? स्वच्छ भारत अभियान के कारण, क्योंकि इन्होंने जागरूक किया था लोगों को। और शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा को ये सम्मान किसने दिया? ये दिया हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। प्रणब मुखर्जी तो हो गए पूर्व राष्ट्रपति, इस समय कौन है हमारे राष्ट्रपति? इस समय है रामनाथ कोविंद। अगर बात आई है स्वच्छ भारत अभियान की तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला कौन से नंबर का है? इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसकी PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एजुकेशन गुरुजी।